मोहम्मद रफ़ी केवल एक नाम नहीं, एक व्यवहार, एक दिनचर्या, एक रूटीन, एक भाव, एक प्रेरणा, एक प्रेम, एक भक्ति, एक गुरु, एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी है। रफ़ी साहब की डेफिनेशन देने के लिए इतने सारे नाम भी कम पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो महान गायक, एक अजीम शख्स, केवल इंसान नहीं, मेरे हिसाब से एक फरिश्ता ही थे। उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। आज उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई को हम अपने चैनल झकास मिक्स मास्टर की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। क्या बात है अभिजीत जी, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम झकास मिक्स एंड मास्टर की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसका जो पहला एपिसोड है ये है मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। ये बहुत ही आप जानते हैं महान गायक रहे हैं, तो उनको आज हम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है मिस्टर ब्रजेश आहूजा जी को। वेलकम सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड क्योंकि ये बचपन से मोहम्मद रफ़ी जी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इनसे हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और इनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ब्रजेश जी के बारे में। ये पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी बहुत ही फेमस गायक हैं और इन्होंने अपनी रूहानी आवाज़ से हम सबका दिल जीता है। और इन्होंने अपना करियर शुरू किया था मिस्टर जसपाल भट्टी जी के साथ और उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ ही आज तक जुड़े हुए हैं। एंड उसके बाद इन्होंने मुड़ के कभी नहीं देखा और काफ़ी फिल्मों में अपनी आवाज़ एज ए प्लेबैक सिंगर इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। वेलकम सर, तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाँ जी। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में आप हमें कुछ बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। अरे यार अच्छे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वैसे तो सारी दुनिया जानती है रफ़ी साहब के बारे में। बिल्कुल। इतने सालों से मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उनके बारे में नहीं जानता हो। बिल्कुल। चाहे उनकी गायकी हो, चाहे उनकी नेचर हो, उनकी इंसानियत हो, सभी जानते हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो मैं कुछ नया क्या कहूँगा उनकी तारीफ में, तो ऐसा है कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। तो इतना ज़रूर है कि रफ़ी साहब जैसा सिंगर मुझे नहीं लगता कि दोबारा आ सकता है। वो एक, मैं मानता हूँ कि सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो कोई फरिश्ता ही थे। तो पता नहीं किस तरह से कहाँ से आवाज़ निकलती थी और इतने एफर्टलेसली वो गा जाते थे, तो उनके बारे में तो कुछ मतलब शब्द ही नहीं मिलते हैं। मतलब वो बने ही गायकी के लिए थे। बिल्कुल। देवता स्वरूप थे और वो भगवान ने बख्शी थी उनको आवाज़। और मैं बचपन से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एकलव्य ने गुरु माना था ना द्रोणाचार्य को, बिना देखे बिना मिले, ना मैं कभी उनसे मिला ना मैंने कभी उनको देखा। हाँ जी। बस उनकी आवाज़, उनकी वो रूहानी आवाज़ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और उसको फॉलो करता आ रहा हूँ। वाह क्या बात है। तो मतलब आपने उनको
गुरु धारण कर लिया था। बिल्कुल बचपन से ही, जैसे पुराने टाइम में होती थी गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। शिष्य नहीं, वैसे मेरे गुरु भी हैं, हाँ जी, चंडीगढ़ में, तो लेकिन वो मैं जब कॉलेज में चला गया तब मैं उनसे मिला तो उनको अपना गुरु धारण किया। लेकिन बचपन से जो एक चल रहा था ना रेडियो सुन सुन, एक जो इंस्पिरेशन, हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है किसी को, बस मैं वही रफी साहब को मानता। ठीक है, तो आप उनकी रूहानी आवाज में हमें कोई नगमा सुनाइए। हाँ यार अक्षय, ये भी बहुत मुश्किल है। इसको स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को इस गाने से। नहीं, लेकिन गाना चूज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, हजारों गाने हैं मेरे ख्याल, उन्होंने 25,000 या 26,000 गाने गाए होंगे। हाँ। और हर एक गाना एक से बढ़ के एक है। बिल्कुल है। तो उसको चूज करना कि यार मैं ये गाना सुनाऊंगा बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं जो अपने शोज करता हूं म्यूजिक के, हाँ जी, तो मैं ज्यादातर रफी साहब को ही गाता हूं। वैसे मैं सबको गाता हूं, किशोर दा को भी, मुकेश जी को भी, मन्ना डे साहब को भी, तो रफी साहब के ज्यादातर गाता हूं। तो लोग कहते हैं यही सवाल कि भाई आप अपनी पसंद का एक गाना सुनाइए, हाँ रफी साहब का, हाँ। तो मैं फंस जाता हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो आज हम ऐसा करते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं, जैसा मौसम है, बिल्कुल, जो महीना चल रहा है, सावन का महीना, सावन का महीना चल रहा है, बारिश, बरसात, इससे रिलेटेड एक दो गाने गाते हैं रफी साहब के, है ना, जैसे आपको, क्योंकि अदरवाइज तो हम चूज कर ही नहीं सकते, हजारों गाने हैं। ये मेरे साथ भी होता है, लोग पूछ लेते हैं फेवरेट गाना बताइए, रफी साहब का भी नहीं, वैसे ही फेवरेट बताइए। वैसे वो तो आप फेवरेट कैसे बताओगे आप, इतने गानों में आपका टाइम टू टाइम एक गाना आता है, फेवरेट होता है, फिर कुछ और गाना आ जाता है, पर वो फेवरेट रहता है, पर उस टाइम के लिए आपका कोई और गाना आपके जहन में बैठ जाता है कुछ टाइम के लिए। तो करें कोई मौसम का गाना सुनाएं। बिल्कुल सुने कुछ मानसून के बारे में। ये गाना है धर्मेंद्र जी पे आई थिंक फिल्म आया गया था, फिल्म लोफर। okay. संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अगेन मेरे फेवरेट संगीतकार। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम।
वाह क्या बात है। एक तो आपकी आवाज़ मतलब बिल्कुल रफ़ी साहब की याद दिला देती है, और दूसरा मतलब एक पॉइंट और दिमाग में आता है कि पुराने गाने मतलब क्या लिरिक्स थे, क्या म्यूजिक था, आजकल वो बात रही नहीं ना। और आपके गाने ने मतलब मुझे अपने रोमांस की याद दिला दी। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। बड़ा बेईमान है आज वाकई, सावन का महीना मानसून। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब जानते हैं कि रफ़ी जी उनका बर्थ हुआ था 24 दिसंबर 1924 को, एंड ये कम लोग जानते हैं कि आज के दिन 31 जुलाई 1980 को उनका देहांत हुआ था, और वो आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो आप के साथ उनका क्या कनेक्शन है, मतलब आप कैसे रिलेट करते हैं रफ़ी साहब से? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं कैसे रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गायक हूँ, तो नेचुरली वो रिलेशन तो बन ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा था कि बचपन से ही ना मुझे मेरे पेरेंट्स बताते थे कि मैं 2-2.5 साल का था जब ठीक तरह से बोल भी नहीं पाता था, तो मैं गाता था और सुर में गाता था। तो एक तो वो भगवान की देन हो सकती है, दूसरा ये था कि हमारा एक जहाँ हम रहते थे, यानी कि जिस कैंपस में हम रहते थे, वहाँ सिनेमा था, सिनेमा हॉल, वहाँ मेरे फादर मैनेजर थे, तो एक तरह से हमारा अपना ही सिनेमा था, वहीं पे हमारा घर था। क्या बात है। तो जब भी मैं जिद करता या रोता, मेरी सिस्टर मुझे उठा के, क्योंकि उसको भी बड़ा शौक था गाने का, फिल्में देखने का, तो वो मेरे को थिएटर में ले जाती थी। अच्छा। और मैं अपना मस्ती से आराम से फिल्म देखता था और गाने सुनता था। क्या बात है। तो वहीं से और एक रेडियो से, हाँ जी, वो रफ़ी साहब मेरे दिल में बसते गए। रेडियो उस टाइम बहुत ही, हाँ, तो रेडियो ही था एक एंटरटेनमेंट। सही बात है, वो टीवी तो होता नहीं था। तो मैं उनको फॉलो करता गया, उनको सुनता गया, और उन्हीं की तरह गाना शुरू कर दिया। हाँ जी। और फिर हम जब वहाँ से शिफ्ट होके चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ में एडमिशन ली स्कूल में। स्कूल में सैटरडे को कुछ गाने वाने होते थे, तो मेरे से उन्होंने गाना सुना, तो मैंने सुना दिया, रफ़ी साहब का ये गाना सुना दिया, तो मैं वहाँ का स्टार बन गया। अच्छा। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई। तो रफ़ी साहब से ये बहुत गहरा कनेक्शन है मेरा, कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। क्या बात है, गहरा कनेक्शन होता है तभी हम कुछ सीख पाते हैं। बिल्कुल। जिंदगी में डेप्थ में जाना, डीप जाना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि जैसा तुमने बताया कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की जसपाल भट्टी के, हाँ जी, तो वो भी कुछ इस तरह हुआ कि मैं यहाँ चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में प्रोग्राम करता था, तो मुझे मालूम नहीं होता था रफ़ी साहब, अपना सॉरी रफ़ी साहब कह रहा हूँ, जसपाल भट्टी जी वहाँ बैठे होते थे सुनने के लिए, तो उनको मेरा गाना अच्छा लगता होगा। हाँ जी। तो कई बार वो रस्ते में मिल जाते कहीं 17 में यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको बोलता भट्टी साहब हमें भी मौका दो। तो वो कहते हाँ, जब कुछ म्यूजिकल करेंगे तो ज़रूर। तो मैंने कहा ऐसे ही हौसला दे रहे हैं, खुश कर रहे हैं। लेकिन वाकई उन्होंने जब फ्लॉप शो बनाने लगे, तो उसमें हर एपिसोड के एंड में एक गाना आता था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, पैरोडी आती थी। एक मशहूर गाने के ऊपर पैरोडी होती थी। हाँ। तो वो सारे गाने फिर मैंने गाए। हाँ, कमाल का प्रोग्राम था। हाँ, तो उसमें रफ़ी साहब के भी गाने थे, मुकेश जी के भी थे। हाँ, इस तरह से। तो जसपाल भट्टी जी की बात की तो उनका भी देहांत हो चुका है, पर वो प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया था वो आज तक चल रहा है, और वो भी बिल्कुल। क्या बात थी, क्या सोशल सटायर था। क्या बात है। तो सर, अपना बहुत सारे फेमस सिंगर हुए हैं, बहुत महान सिंगर हुए हैं, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब में ऐसी क्या खास बात थी आपके हिसाब से, उनमें ऐसा क्या अलग था? ये भी बात बहुत सही है। देखो, सबसे बड़ी बात थी कि वो वर्सटाइल सिंगर थे। हाँ जी। एक सिंगर होता है उसकी आवाज़ को जी ये सूट करता है, ये बंदा ये सैड सॉन्ग गा सकता है, ये सिंगर जो है ये क्लासिकली गाता है, हाँ। ये
इसको यही सूट करेगा, ऐसा नहीं था। रफ़ी साहब हर चीज़ गाते थे और एफर्टलेसली गाते थे और उसको साकार कर देते थे। कमाल था। और हर एक्टर पे सूट करते थे, चाहे वो उस ज़माने में दिलीप साहब हों, देव साहब हों, राजेंद्र कुमार जी हों, धर्मेंद्र जी हों, राजेश खन्ना हों, सब शम्मी कपूर सब जी उसके लिए गाया उन्होंने, सब के लिए गाया। और लोग जो उस वक्त टीवी तो होता नहीं था, लोग रेडियो सुन के बता देते थे कि रफ़ी साहब तो ठीक है गा रहे हैं, लेकिन किसके लिए गा रहे हैं लोगों को पता चल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। जो कि आजकल तो ऐसा है ही नहीं, आवाज़ मैच करना तो बहुत दूर की बात है। आवाज़ वही थी, आवाज़ रफ़ी साहब की थी, लेकिन वो एक अंदाज और वो चीज़ एक पेश कर देते थे कि ऐसा लगता था कि वही एक्टर का। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो ये खासियत थी उनमें। और खासियत तो बहुत है उनकी, रेंज, उनका सुर में गाना, जैसे आजकल सिंगर हैं सुर लाइव शो में हम देखते हैं सुर पता चल जाता, इतना सुर में नहीं गा सकते। उस टाइम टेक भी नहीं होते थे, टेक भी नहीं, कट कॉपी पेस्ट नहीं होता था, एक बारी में गाना होता था। क्या बात, कोई फैसिलिटी नहीं होती थी उस टाइम, पूरा टेस्ट था सिंगर का, कैसे गाते थे, कोई ट्यूनिंग नहीं, कुछ नहीं। आजकल तो ट्यूनिंग पे ही सब कुछ चल जाता है, बेसुरे को भी सुर में ले आते हैं। तो ये लोग तो जो जैसे लता जी हैं, आशा जी हैं, रफ़ी साहब, किशोर दा, ये लाइव इनका देखिए आप यूट्यूब पे, मजा आ रहा है, सुर इधर से उधर हो जाता, होता ही नहीं। तो ये खासियत थी, सुरीले बहुत थे और उनकी रेंज बहुत थी, जितना वो मंत्र सप्तक में जा सकते थे उससे उससे भी ज़्यादा वो तार सप्तक में जाते थे। लोअर ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव, हाँ, रेंज बहुत अच्छी थी। हाँ, और इमोशंस को बड़ी अच्छी तरह जाहिर करते थे, जो कि एक प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज़ है। सही बात है, सिर्फ सुर होना नहीं, हाँ, जाहिर करना कि क्या गा रहे हैं, हाँ, क्या मूड है। हाँ जी, तो तुम्हारी इस बात पे मेरे को एक गाना याद आ रहा है। हाँ जी, अगर तुम कहो तो मैं सुनाऊं। हाँ जी बिल्कुल, इस गाने से हम इस एपिसोड को आज एंड करेंगे। अच्छा, और रफ़ी साहब को एक एपिसोड में समेटना तो बहुत मुश्किल है, तो हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तो आज इस गाने के साथ हम इस एपिसोड को चलो एक ब्यूटीफुल सा एंड देते हैं। ये गाना रफ़ी साहब का भी फेवरेट गाना है। अच्छा। जब उनसे पूछा जाता था कि अपनी पसंद का गाना सुनाओ तो ये गाना जरूर सुनाते थे। अच्छा, कौन सा गाना ये? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। इसके दो अंतरे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम कम है, मैं एक अंतरा सुनाता हूँ और दूसरा अंतरा सुनाता हूँ जिसमें कि बहुत मुश्किल से स्वर लगे। अच्छा, फर्स्ट आप मिस कर रहे हैं, सेकंड सुना रहे हैं। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में। क्या बात है, तुम्हारे इंतजार में। फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में।
हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह क्या बात है ब्रिजेश जी, आपका जवाब नहीं है और रफ़ी साहब को तो सैल्यूट है। सही बात। और मैं मतलब तहे दिल से मेरी एक कामना है कि मतलब इंडस्ट्री में आज फिर से ऐसे गाने बनने शुरू हों। अब जैसे कि नेपोटिज्म की बात हो रही थी, तो मतलब टैलेंटेड लोगों को मौका मिले। और ये पुराने गानों का रीमेक बहुत हो गया अब। कंटेंट लेके आए कुछ। सिर्फ कमर्शियल नहीं है ये, सिनेमा आर्ट से रिलेटेड है। एक एक चीज आर्ट से रिलेटेड है। तो मतलब दोबारा कुछ मेहनत हो, कुछ गाने बने, कुछ लिरिक्स आए, कुछ गायक आए, कुछ म्यूजिक आए, कुछ अच्छी फिल्में आए, हीरोज को चांस मिले। तो इस मतलब अच्छे थॉट से हम आज के एपिसोड को एंड करते हैं। एंड थैंक यू, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते फिर एक एपिसोड से, मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में और बातें करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, एंजॉय, बाय बाय।